शाम के समय भूल कर भी न करें ये 5 काम, वरना हो जाएंगे बर्बाद। जाने उपाय। शास्त्रों में ऐसे कई कामों के बारे में वर्णन किया है जिन्हें समय के अनुसार ही करना ठीक है। आज हम बात करेंगे शाम के समय परहेज करने वाले कुछ ऐसे क्रियाकलापों के बारे में जिन्हें करने से परहेज करना चाहिए। ऐसा न करने से आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, घर के दरवाजे बंद न करें। शाम के समय घर के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस समय माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। अगर दरवाजे बंद हुए तो माता आपके घर में नहीं आएगी, इसलिए माँ लक्ष्मी के लिए द्वार खोल कर रखें। नंबर 2, तुलसी को न छुए। तुलसी के पौधे का सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। हालांकि संध्या के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। तुलसी को लक्ष्मी माँ का रूप माना गया है, इन्हें इस समय छूने से श्री हरि विष्णु रुष्ट होता है। ऐसा करने से आपके परिवार की खुशी छिन सकता है। नंबर 3, शाम को किसी से कुछ न मांगे। कई बार लोग अपने घर में किसी चीज के कम हो जाने पर आसपास पड़ोसियों से चीजें मांग लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार शाम के समय कुछ चीजें जैसे लहसुन प्याज, नमक, खट्टी चीजें, सुई आदि किसी से नहीं मांगना चाहिए। हालांकि इस समय अगर कोई भिक्षुक आता है तो उसे कुछ न कुछ जरूर दें। नंबर 4, किसी को उधार पैसे न दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय पैसों का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस समय किसी को उधार देने से बचना चाहिए। माना जाता है इस समय उधार में दिए गए पैसों से वापस मिलने की संभावना कम होती है। नंबर 5, शाम को भूल कर न सोएं। घर के किसी सदस्य को बिना किसी कारण सोना नहीं चाहिए और इस समय घर में किसी भी तरह का झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता घर से दूरी बना लेती हैं और आप पर वित्तीय परेशानी टूट सकती है। इसी के साथ दरिद्रता आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।